हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल यूट्यूब फैमिली राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में मैं बात करता हूँ बिगनर्स की, कि बिगनर्स अपनी आर्ट स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम पहले एक मैंने सिंपल चार्ट पेपर लिया है, क्योंकि बिगनर सिंपल चार्ट पेपर ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल चार्ट पेपर लिया और उसके कॉर्नर्स पर मैंने साइड्स पे ये मास्किंग टेप यूज़ की है। और आप जानना चाहते हैं मास्किंग टेप क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, मैंने साइड पे थोड़ी सी जगह ली है, तो वहाँ पर मैंने एक मास्किंग टेप यूज़ की है और यहाँ पर मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ आर्टिस्ट आर्किक कलर, इनका भी मैं रिव्यू दूंगा। तो मैंने पहले पर्शियन ब्लू यूज़ किया है, कोबाल्ट ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर। तो अब मैं कलर पैलेट में कलर्स निकाल रहा हूँ। तो ये जो कलर है ये 550 की रेंज में अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही कन्वीनियंट रेंज है इनकी, और ये आर्टिस्ट आर्की कलर हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने पर्शियन ब्लू अप्लाई किया है, देख सकते हैं। ये मैंने बताने के लिए यूज़ किया है कि मैं कौन कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ एज ए शेड कार्ड। आप बिगिनर हो तो आप इसी तरीके से पहले शेड कार्ड बनाया करिए, जिसके साथ आपको जो है पेंट्स की अच्छी से नॉलेज हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कलर कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। तो अभी यहाँ मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसके नीचे नाम भी लिख सकते हैं कलर्स के। वीडियो में प्रॉपरली मे बी वो नहीं है, बट यहाँ पर मैंने नीचे ब्लैक कलर अप्लाई किया है, तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। यहाँ मैंने नाम लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं शीट की ओर आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं पेंटिंग करूँगा। पहले हम बीच में एज ए मून एक वाइट कलर का सर्कल बनाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने ब्लू कलर वाली बर्ड्स की पेंटिंग करनी है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगती है वो, बिगनर्स करें। पहली बात तो बिगनर घबराएं मत पेंटिंग करते वक्त, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ मत करें, कॉन्फिडेंस रखें, पेंटिंग अच्छी होगी। और पहली जो मेरी टिप है वो आप सभी के साथ यही है कि बिगनर्स जब आर्क्रिक कलर करें तो फैन ऑन ना करें, नहीं तो जो कलर है वो ड्राई हो जाते हैं और आपके कलर वेस्ट हो जाएंगे। तो अब मैंने उसी सर्कल, वाइट सर्कल की शेप में कोबाल्ट ब्लू कलर अप्लाई किया है। अब इनकी मैं ब्लेंडिंग करूँगा। मैंने फिर से वाइट कलर अप्लाई किया है। तो प्लीज़, अभी आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन देखना चाहता है, सीखना चाहता है पेंटिंग, तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं। ये चैनल आप सभी का अपना ही चैनल है, यूट्यूब फैमिली राधे कृष्णा। तो लाइक करें वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडिंग की हल्की हल्की करनी शुरू कर दी है। तो ये देखिए, कोबाल्ट ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कल जो ब्रशेज़ यूज़ किए हैं वो मैंने फेबर कैसल का ब्रश यूज़ किया है। तो ये देखिए, कोबाल्ट ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छे कलर लग रहे हैं मुझे ये आर्टिस्ट आर्किड कलर। अगर आप बिगिनर हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये कलर बाय करें, बहुत ही अच्छे कलर हैं ये। यस, इनका पिगमेंट हाई है एज़ कम्पेयर टू फैब्रिक्रिल के कलर से। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो बहुत ही अच्छे कलर हैं ये। मुझे स्पॉट करें प्लीज़। तो ये देखिए, कोबाल्ट ब्लू कलर मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर रहा हूँ साइड्स पे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे। ये जो कॉम्बिनेशन होती है ना कलर्स की पेंटिंग में, ये अच्छी होनी चाहिए, जिसके साथ जो पेंटिंग है वो अच्छी लगेगी, लुकिंग वाइज भी और वैसे भी। तो आप कॉन्फिडेंस रखें, एक पेंटिंग ख़राब बनती है कोई बात नहीं। मैंने भी यहाँ पर जो है बिगनर्स जैसे पेंटिंग करते हैं, मैंने उन रूल्स को फॉलो किया है बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे करें पेंटिंग, तो प्लीज़ फॉलो हाउ आई एम डूइंग पेंटिंग। तो जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ पेंट ब्रश, सेम उसी तरीके से आप अपने पेंट ब्रश चलाएं तो आपकी पेंटिंग अच्छी बनेगी, देख सकते हैं आप।
तो इस चैनल पे मेरी अब मोस्टली रोज़ ही वीडियो आएंगी। मैं बिगनर्स के लिए बात करूँगा इस चैनल में, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिगनर एक अच्छे आर्टिस्ट बने। और मैं देखता हूँ कि बिगनर्स को अच्छी तरह, बिगनर नहीं समझ पाते कई बार ही, तो मैं इस चैनल में उन्हीं की बात करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी बिगनर इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस पेंटिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो सपोर्ट करिएगा एज ए फैमिली मेम्बर, तभी मैंने इस चैनल का नाम रखा है यूट्यूब फैमिली राधे कृष्णा। तो ये देखिए मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, या कलर ड्राई नहीं होने देना। तो अगर कलर ड्राई हो तो लेयर अप्लाई करें। आर्क्रिक कलर जो है वो लेयर में जब यूज़ किए जाएँ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और पेंटिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले तो आपको लगेगा थोड़ी पेंटिंग मैसी हो रही है, बट आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें, कॉन्फिडेंस रखें कि देन आपकी जो पेंटिंग है बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। और इन कलर्स में वाटर मीडियम होता है आर्क्रिक कलर्स का, तो इनमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए ब्लेंडिंग कर ली है। बहुत ही अच्छे कलर्स मुझे लगे, ये बिगनर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ वो खरीदें। इन ये 20 ml की ट्यूब थी जो मैंने 550 रेंज की बताई है, इसमें 9 ml की ट्यूब भी आती है, वो 350 की रेंज में आती है। आप वो छोटे कलर लें, और अगर आप आर्क्रिक कलर चाहते हैं और आपका रेंज इतना नहीं है तो आप फेविक्रिल के लें। आर्क्रिक कलर 200 की रेंज में आते हैं, 10 शेड्स वो ले सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पर अब यूज़ ब्लेंडिंग कर ली है। आगे देखिए जो है मून, उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं एज ए ब्लेंडिंग करते हुए। बहुत ही अच्छी लगेगी ये पेंटिंग। आप पहली पेंटिंग है या अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये करें आप पेंटिंग। बहुत ही इसमें ब्लेंडिंग भी हो रही है, अच्छी पेंटिंग भी बनकर आ रही है, आपको कलर्स की नॉलेज होगी बहुत ही अच्छी। मतलब ये मैंने पेंटिंग बहुत ही मुश्किल से ढूंढी, और आपके लिए मैंने सोचा कि यस ये पेंटिंग आपको साथ में बनाऊँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेंटिंग करते वक्त मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी अपने जो है कमेंट मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसा लगता है पेंटिंग करते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप दिन में एक या दो पेंटिंग तो डेफिनेटली बनाएं, प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छी पेंटिंग आपसे आराम से बन जाएंगी। कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो ये देखिए ये मैंने अब एज उसी के साइड्स पे सर्कल, अब मैंने यहाँ पर पर्शियन ब्लू अप्लाई किया है इनके कॉर्नर्स पे, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आप ये देख ही सकते हैं। अब यहाँ मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ये देखिए एक साइड पे ब्लेंडिंग हो चुकी है पर्शियन ब्लू की, बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। अब रोज़ ही मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगी नई नई, और स्टेप बाय स्टेप आप उन पेंटिंग्स को, उन ट्यूटोरियल्स को देखिए, समझिए, और एक आप अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से ब्लेंडिंग करेंगे हम। ये देखिए अब जो थोड़ा सा मून है वो मैं डार्क कर रहा हूँ। देखिए और ये बात नहीं है कि आप बिगनर हो तो आप अच्छे ब्रश लें, महंगे लें तो ये पेंटिंग अच्छी होगी। आप पहले थोड़े से कन्वीनियंट रेंज 250-200 की रेंज में ब्रशेस यूज़ करें, उसके साथ आप अच्छी पेंटिंग कर पाएंगे। देखिए
यहाँ पर मैंने बहुत ही सस्ते ब्रश यूज़ किए हैं कि बिगनर्स के लिए सिंपल ब्रश है, लॉन्ग हैंडल ब्रश नहीं है, ये शॉर्ट हैंडल ब्रशेज ही हैं बिगनर्स के लिए। बहुत ही अच्छे हैं ये फेबल कैस्टल के। 360 का पैक आया था इनका, 7 ब्रशेस का, बहुत ही अच्छे थे ये। मैं बिगनर्स को यही लेने को रिकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक जो है ब्रांच बनाएंगे ट्री की, जिसके ऊपर बर्ड बैठे बैठे हुए हैं, ऐसे दिखाने हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए थोड़ी सी लंबी लेकर जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए अब ऊपर एक ब्रांच लेकर गया हूँ मैं, देखिए। बहुत ही अच्छी लग रही है। कॉन्फिडेंस रखें, फ्री हैंड बनाए। मैं रिकमेंड करता हूँ पहले पेंसिल से मत ड्रॉ करें। एक पेंटिंग ख़राब होती तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्री हैंडेड बनाएं, आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा, बहुत ही अच्छा आपको आएगा आपका रिज़ल्ट। एक बारी करके देखिएगा, फ्री हैंड बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखिए। देखिए साइड पे एक मैंने ब्रांच बना दी, बहुत ही अच्छी लग रही है ये। देखिए अब यहाँ पर मैं ब्रांच आगे बना रहा हूँ, जो ये सेंटर वाली है जहाँ पर बर्ड बैठेंगे वो भी बहुत ही अच्छी। एक बारी कोशिश करिए, बहुत ही अच्छी आपसे फ्री हैंड बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करें अच्छे बनेंगे, मैं कह रहा हूँ। आप मेरी एक बारी बात मानिए, मैं आपका गुड विशर बन के कह रहा हूँ, बहुत ही फ्री हैंड बनाएं। तो ये देखिए ये ब्रांच बन चुकी है, अब बीच में बर्ड बनाएंगे। ये देखिए पहले एक सर्कल, फिर उसके नीचे एक लीव जैसा बनाया। देखिए बहुत कोशिश करिए, इजी है, बहुत ही अच्छा है। बर्ड है, इन्हें हिंदी में कहते हैं चकोर बर्ड। ये मून की तरफ देखते हैं रात को, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। उनका मैं एक पेयर बर्ड्स का बनाऊंगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये उनकी जो है, देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा बर्ड बन रहा है। आप फ्री हैंड लाएं, अच्छे बनेंगे, डेफिनेटली अच्छे बनेंगे। तो अब आप इस तरह बर्ड बनाएं, थोड़ा सा ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर यहाँ यूज़ किया मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए सिर थोड़ा सा अच्छा गोल्ड रहे जो हेड है इनका। तो ये देखिए अब सेकंड बर्ड बन रहा है, सेम उसी स्टेप से। पहले मैंने लीफ बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हेड बनाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये पेंटिंग, तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। कोशिश करिए, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही हमें मिलता है। तो ये देखिए अब बर्ड जो सेकेंड वाला है, थोड़ा सा बड़ा बना है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बर्ड। तो ये बनाएंगे हम, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए पेंटिंग अच्छी है ये, कोशिश करिए बनाने की, आप ज़रूर बना पाएंगे, मैं कह रहा हूँ अच्छी बनेगी। और आप साइन करिया करिए जैसे पेंटिंग के। और एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, आपको एक भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करें, घबराना मत, पूछिए और मैं बताऊंगा अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए। और ये देखिए अब मैं ये साइड से मास्किंग टेप जो है वो निकाल दूंगा और यहाँ बहुत ही अच्छा सा बॉर्डर बनाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।